हम जब इतना कुछ महन का जान ले तो फिर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि भ्रम में जीना बड़ा आसान होता है और सच्चाई में जीना बहुत मुश्किल काम है। तो सच्चाई को सहन कर पाओगी रिया जी? बिल्कुल सर, सच्चाई को तो सहन करना ही है, सच्चाई को सामना करना है, सहन भी करना। तो सच्चाई वो नहीं है जो हम मानते हैं, सच्चाई इससे अलग है। जी सर। तो सच की तरफ आगे बढ़े। जी बिल्कुल। अब मन कैसा है अभी? ठीक है, रिलैक्स है। रिलैक्स है, कुछ हलचल पैदा हुई? जी सर। टूटने लगे भ्रम कुछ? जी। क्या टूटा अभी तक? बस एक अंदर से यही फीलिंग आ रही है कि एक खुद के लिए जीने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फील हो रहा है। हाँ बस बस बस, ये चीज़ आ गई ना तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू होगी। और सर अब एक ये भी लग रहा है कि अब जैसे ना कोई कुछ कह भी देगा, बस ऐसे लगता है जो जितना मेरा, मैं बहुत, सब मुझे कहते हैं बहुत जल्दी तो दिल दिमाग पे लगा जाती है हर चीज़ को, और ऐसा लगता है कि अब नहीं होगा वो चीज़ मेरे साथ, मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, जो सोच रहा है सोचने दो, जो कह रहा है कहने करने दो, उसकी मर्जी, उसकी दुनिया, उसकी मानसिक लेवल के सोचने का लेवल ही था। हाँ बस उसका लेवल इतना है और इतना मैं रहेगा। उसके बराबर सोच के मैं खुद का लेवल नहीं गिराना चाहती। अब एक बंदा जैसे आप 15वीं मंजिल पर है और एक बंदा 5वीं मंजिल पर है, तो हम उसके बराबर जाएंगे तो हमें नीचे उतरना पड़ गया ना, उसके लेवल पर जाएंगे तो हम नीचे आ गए ना। जी बिल्कुल। हाँ तो अच्छा ये है कि उसको 5वीं पर रहने दें, अपना 15वीं का आनंद लें। जी। नीचे नहीं जाना है, लोगों के स्तर पर जाना ही नहीं है, उनको स्वीकार कर लेना कि भाई तेरी पहली मंजिल, तू सही है, अपनी जगह सही है ना वो, ठीक है, तू तेरी जगह सही है, बस क्या झगड़ा है। किसी को समझाना भी आज का टाइम ऐसा है कि बस बस समझाना बहुत बड़ी गलती है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी बहुत गलतियां की है, मैं कोई जन्मजात, बस एक क्यूरियोसिटी थी, हो सकता है कि मेरी चेतना इतनी ऊपरी, क्यूरियोसिटी थी मनोविज्ञान में, लेकिन मैं जन्मजात मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं चीज़ें सीखता हूँ काफ़ी लेट सीख रहा हूँ, कि चेतना इतनी फास्ट ग्रोथ कर सकती थी, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे सीखता हूँ कुछ चीज़ों की, हमें समझ भी नहीं होती है, टाइम समझ नहीं आता, वो लेट समझ में आती है। आती तो है लेकिन फिर भी मेरे को लगता है हमारे अंदर वो पावर तो होती है पर हम उसको पहचान नहीं पाते, पहचानने में काफ़ी देर लग रही है, जैसे कि इतनी जल्द, इतना लेट नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो जाता, अब क्या करें, भी कुदरत ने हमें चेतना इतनी दी है, आत्मे नहीं है ना, इसे स्वीकार कर लेते हैं। वो टाइम ही होता है जब वो आता है तभी वो चीजें होती हैं, समझ आती हैं। तो इसीलिए समझाना नहीं है, बदलना नहीं है, उसको वैसा ही स्वीकार कर लेना है, जो जैसा है उसी को वैसा ही रहने दो। समय बलवान कहा गया, समय बहुत, बस समय बलवान है। यहाँ पर अपने आप को समझाना है, अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढने, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, कि अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, अपनी खुशी के लिए खुद पर निर्भर रहेंगे, बस ये मंत्र सीखना है, फिर डिप्रेशन नहीं है, फिर तो आनंद ही आनंद है ना। आनंद ही आनंद है, लग रहा है हो जाओ ठीक? हाँ जी हो जाऊंगी मैं ठीक है, तो मेरे को अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाँ ये तो है, लेकिन ये देखो डिप्रेशन आपका ना कुछ ही समय का है, वो कुछ ना चाहती गलत हो गई थी, कुछ डिमांड ही हमारी जो हम एक उम्मीद लगा बैठे थे और वो जायज डिमांड उल्टा हो गया, डिमांड जायज थी लेकिन उन कुछ ऐसा उन समझ लो कि वैसा हो गया, समझने वाला नहीं हो, टाइम ही कुछ सही नहीं, कुछ भी हो सकता है, हो गया ना, आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपने डिमांड नहीं पूरी हुई, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने, हमारे मन में मलाल रह गया ना कि पूरी होनी चाहिए थी, ये बुरा हुआ, सबकी सब डिमांडें पूरी नहीं होती, सबको समझने वाले नहीं मिलते, हो सकता है आपको जितना मिला है करोड़ों लोगों को इतना ही नहीं मिलता, भी नहीं मिलता, आप बहुत लकी हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ ना कुछ मन में एक पाल के रखते हैं कि और होना चाहिए था, मोर की जो डिमांड है ना वो हमें परेशान करती है। जी जी। हाँ फिर कंपेरिजन आ जाता है रिश्तों में आसपास कि वहाँ ठीक है, फिर वो चीज़ें हमें ज़्यादा दुख दे जाती है, तो हम दूसरों को देखने लग गए ना तो फिर समझो परेशान हो गए, क्योंकि दूसरों को बाहर से देख पाते हैं, उनके अंदर से हमें नहीं पता कि वो भी किस लेवल पर चल रहा है। हाँ क्या ज्यादातर उनके अंदर भी हमारे जैसे कोई अपने से भी खराब गए बीते, तो हम भी एक नॉर्मल ही दिखते हैं, मेरे को लगता है कि हमसे तो काफी गए बीते होते हैं। मैं बताता हूँ, जो ज्यादा करीब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, करीब रहते हैं, समझ लेना कि उनके अंदर करीबी नहीं है, वो बाहर वाले दिखावटीपन है। हाँ तो मैं ऐसे बहुत से कपल को जानता हूँ जो घूमने गए मेरे साथ भी या वैसे भी, और शादियों में एक दूसरे से बाहों में बाहें, ये वो बड़ा जैसे
कर रहे हैं। मैं सोचा यार कितना प्यार होगा, बाद में पता चला कि प्यार प्यूर कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा लड़ते हैं। प्यार अगर है तो वो तो बहुत दूर दूर अगर रहेंगे तो भी प्यार वो एहसास होता है, प्यार होता है कि एहसास, एक समझ, वो जरूरी नहीं होती कि हम पास में हो तो ही वो सब, वो इसमें नहीं है कि खाना खिला, प्यार में खाना खिलाना हो जाता है लेकिन खाने खिलाने में प्यार हो ये नहीं कह सकते, प्यार में कुछ भी हो जाता है लेकिन कुछ भी करने से प्यार हो जाए ये नहीं है। वो एक एहसास है, एक दर्द का, एक फीलिंग का एहसास होता है, उसकी समझ, उसकी समझदारी। वरना मैंने देखे करीब करीब बहुत ज़्यादा रहते हैं और छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं, शक करते हैं, तो प्रेम में शक आता ही नहीं, प्रेम में कभी शक नहीं होता है, प्रेम में शक की गुंजाइश ही नहीं होती, समर्पण होता है सिर्फ। जैसे मीरा के मन में शक नहीं है कि कृष्ण गोपियों के साथ जा रहे हैं, बस उनको पता है कि मेरा प्रेम है तो है, उनका आगे क्या उसको कोई हाँ, मतलब और कृष्ण तो रंगीन बंदे, उनका तो कुछ भी हो सकता है। तो राधा अपने प्रेम पर विश्वास करती है, ना कि कृष्ण मेरे ही आगे पीछे घूमे, उनको उससे लेना देना नहीं है। और इससे ये उसको ये भी लेना देना नहीं है कि कृष्ण मेरे साथ शादी करे, शादी नहीं हुई, राधा पहले ही शादीशुदा थी, कृष्ण से प्रेम हुआ उससे पहले शादीशुदा थी, उसके पति से नहीं बनी थी तो वो अपने पिता वृषभानु के पास रहने लग गई थी। और राधा कृष्ण से 10 साल बड़ी भी थी, अच्छा कृष्ण 10 साल छोटे थे, तो उनकी प्रेम कहानी अजीब है। लेकिन राधा कुछ ज़्यादा ही प्रेम करती थी, कृष्ण भी करते थे, लेकिन राधा ने कहा था कि मुझे लेने आओगे तभी जाऊंगी, हाँ चली जाऊंगी लेकिन लेने आओगे वृंदावन। लेकिन कृष्ण लेने ही नहीं आ पाए, वृंदावन लौट के कभी नहीं आए, 90 साल जिए लेकिन वृंदावन नहीं आ पाए। राधा गई तो देखो हम अपनों से कितनी बार मिल लेते हैं, और उनका देखो कभी नहीं मिले। जी सर ये तो है। हाँ तो ये देखो इसीलिए कि जिंदगी में ना हमें कुछ महापुरुषों से सीखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उनके सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ। हाँ उन्होंने जो कठिनाइयाँ उनको ना हम बाहर से देख लेते हैं लेकिन उनके मन को जब देखें ना, मन में क्या पीड़ा चल रही होगी, कितना सोचते हैं वो, क्या चल रहा है, मन को जब समझते हैं ना फिर एहसास आता है, दिल में उतरती हैं, फिर वो एक कनेक्शन, एक जुड़ाव सा लगता है, फिर वो सारी चीज़ें ना रुक सी जाती हैं, समर्पण हो जाता है, फिर ना वो चीज़ें, दिमाग बंद हो जाता है, ब्लैंक जैसे रिफ्रेश सा हो जाता है, सारी चीज़ें एकदम से नई सी हो जाती हैं, जैसे नई शुरुआत सी हो जाती है। क्योंकि ये अवस्था ऐसी है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ये अवस्था ये है कि इसे महसूस ही किया जा सकता है, बताने के लिए शब्द जो जुटाने पड़ते हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इसीलिए ये खुद ही महसूस ही करना होता है। तो प्रेम एक महसूस है, एक एहसास है, ये लेने देने की चीज ही नहीं। जी सर। तो हमने शक की बात कर ली थी ना, 9 श्लोक हो गए थे जी। हाँ तो अब हम आगे बढ़ते हैं, गीता कहाँ है सर, मेरे ध्यान में नहीं डाल रही, सजा मिलेगी इसकी, कोई सर आप पढ़ दीजिए, अब वैसे मैं सुनती हूँ जो चीज़ें होती है देखने के, सर कोई बात नहीं आप पढ़ ही दीजिए चाहे, क्यों हाँ पढ़ेंगे मैं गीता तो देंगे आपको एक, ये वैसे घर पे तो है ही, हाँ घर पर तो है, हाँ ऐसे तो मैं इसको पढ़ती हूँ स्टार्ट की, मेरे पास थी नहीं पर तभी मैं कल आपसे लेकर ही गई थी, मेरे को घर पर पढ़ने के लिए भी चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था सर, किया था मैंने, देख भी लिया था पर मॉर्निंग टाइम में मैं कहा चल उठ के ही डालूंगी, सुबह ध्यान नहीं मुझे, कोई नहीं इसकी भी सजा मिलेगी आपको, कौन सा नंबर पर ये आता है ना आपको ये हिंदी में पढ़ना ऐसे, हाँ पढ़ लेते हैं सर, ये मेरे को नहीं आता, ये पता नहीं कितना है, ये 14 ये पेज नंबर बताना ही नहीं आता मुझे, ये मुझे पता था पर आपको मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ ये पता नहीं कितना पेज नंबर है, कर दीजिए आप, हाँ मैं इसी पे 14-15, हाँ 10 श्लोक हो गए थे जी सर, हाँ तो 700 श्लोक हैं, पूरे कर देंगे जितने भी हो जाएं उतनी, ठीक है सर, हाँ तो 11वें श्लोक पर आते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। ये दुर्योधन कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो,
दुर्योधन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है पता उसको भी नहीं है, क्योंकि भीष्म खुद शक्तिशाली है, खुद वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन बाकियों को कह रहा है कि वो उसकी रक्षा करो। तो अगर भीष्म की रक्षा करेंगे तो फिर भीष्म क्या करेंगे, तो वो इसका मतलब वो केपेबल नहीं है। तो जो इंसान लालची होता है, जो इंसान घमंडी होता है, वो कभी दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाता है, वो दूसरों की शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता है, उसे लगता रहता है कि बाकी लोग कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर वो भीष्म पितामह को कमज़ोर समझने की फिर से भूल कर रहा है। कौरवों में वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन की हत्या में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। इसमें किस महारथी ने कौन सा शंख बजाया उनके नाम बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, पांचजन्य। तो पांचजन्य शंख उनको कैसे मिला, इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उस कहानी को फिर कृष्ण की कहानी में हम कवर करेंगे। कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके अंत तक पूरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो अंतिम दिन हम 3-4 घंटे में कवर करेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई। इस बीच एक एक साल का हिसाब कि पहले साल क्या हुआ कृष्ण के साथ, दूसरे साल ऐसे एक एक साल कितने विवाह हुए, कहाँ किससे विवाह हुआ, कौन से राक्षस को मारा, कृष्ण ने क्या क्या जिंदगी में किया, वो एज इट इज जो आपको टीवी सीरियल में कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको किताबों में इन शास्त्र पुराणों में नहीं मिलेगा, वो अलग सी उनकी जो रियल कहानी है, रियल में कृष्ण कैसे थे वो हम उनकी कहानी से जानेंगे। तो उसमें ये पांचजन्य नामक राक्षस को मारने का जिक्र आएगा, वहाँ से ये शंख मिलता है, वो शंख लेकर के आ गए। उसके बाद बाकी हथियार कैसे मिले, क्या क्या उन्होंने किया, कहाँ झूठ बोले, कहाँ किसको कैसे फंसाया, कैसे युद्ध छोड़ के भागे, कैसे उनकी शादियाँ हुई, कैसे अपहरण किया, कैसे उनके दोस्त रहे, कौन उनका प्रिय दोस्त रहा, कौन उनका सबसे बड़ा दुश्मन रहा, सारी चीज़ें हम उनकी कहानी में जानेंगे। तो उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इतनी इंटरेस्टिंग कि कोई दुनिया की कोई फिल्म ही नहीं है, उनकी कहानी में हर एक रंग है जी जी। तो इसके बाद कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टधूम तथा राजा विराट और अजय शातकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और इस भयानक शब्द ने आकाश पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो ये बातें संजय बता रहा है कि ये हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर ये संजय वर्णन कर रहा है, युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहा है। हे राजन, इसके बाद कपिल, ध्वज, अर्जुन ने मोर्चा बांध कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हंसी के श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अचूत्य, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब अर्जुन कह रहा है, ये अर्जुन उवाच्य है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। देखो, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो पहले जायजा लेते हैं ना भी क्या करना है, कैसे करना है, पहले पूरा एक बार अवलोकन कर लेते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन अवलोकन करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है कि कौन कौन है। तो अर्जुन, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में
मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। वो कह रहा है कि मैं चुनाव कर रहा हूँ कि किसके साथ युद्ध करना योग्य है, कि मेरे लायक कोई है या नहीं है जी। मैं किससे युद्ध करूंगा ये मैं देख लूं एक बार भी कौन कौन है जी, जिनको मैं निशाने पर लूं। तो अब देखिए अर्जुन के मन में काफी गुस्सा है ना, एक तड़फ है, एक बदले की भावना है कि मैं देख लूं भी आज किस किस को निशाने पर लेना है। तो ऐसा होता है ना कि हम वर्षों तक किसी चीज का इंतजार करते हैं और वो मौका आ जाता है तो फिर हमारे अंदर काफी लालसा रहती है कि अभी कर दें जी। होता है ना। तो अर्जुन ने भी युद्ध का बहुत सालों से इंतजार किया है, उसे आज मौका मिला है सब हिसाब किताब बराबर करने का, क्योंकि अर्जुन के परिवार को, अर्जुन को कितने दुख इन कौरवों ने दिए होंगे, कितनी यातनाएं दी होंगी। तो आज उसके पास है ना समय हिसाब किताब बराबर करने का, तो अब वो देखना चाहता है और काफी गुस्से में है। अब एक श्लोक आ रहा है आगे 23वां, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। इस श्लोक में अर्जुन की भाषा पर आप गौर कीजिए, अर्जुन की भाषा कैसी है, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले। इन शब्दों से आप अर्जुन की मनोदशा पकड़ने की कोशिश करें कि अर्जुन के मन में क्या है, कि दुर्योधन का जो हित चाह रहे हैं, जो उसके पक्ष के हैं और जो इसके पक्ष को लेकर जो युद्ध करने के लिए आया उनको भी मैं देख लूंगा। हाँ, तो इस इन शब्दों में देखो दुर्बुद्धि दुर्योधन का, इस शब्द से आपको क्या लगता हो कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, कि दुर्बुद्धि मतलब बुद्धि से का इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो। हाँ, तो हम किसी को दुर्बुद्धि कब कहते हैं, जब हमारे अंदर तब क्या होता है, हम किसी को बोलते हैं ना ये मूर्ख है, तब हमारे अंदर क्या होता है, हमारी मनोदशा कैसी होती है, कि वो समझ ही नहीं रहा है। हाँ, समझ नहीं रहा है, अर्थात वो मूर्ख है, हम गुस्से में होते हैं तब कि दुर्बुद्धि दुर्योधन का, वो नालायक बंदा और उसका साथ देने के लिए कौन कौन आए। तो इस समय अर्जुन के मन में क्या है, गुस्सा है, गुस्सा है, गुस्सा है ना। तो अब देखो अर्जुन की मनोदशा बदलेगी, पल पल बदलेगी, और डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की मनोदशा बदलती रहती है, बदलती है ना जी, बिल्कुल, कि मन में भाव बदलते रहते हैं, अप एंड डाउन चलता ही रहता है, कभी कुछ आता कुछ है। देर के लिए अच्छा या फिर से बुरा आ जाता है, फिर से मन स्टेबल नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। हाँ, तो अब अर्जुन की मनोदशा पकड़नी है। आपने क्या होमवर्क है आपका, कि आप इन श्लोकों के पीछे के मर्म को समझें, कि कोई इंसान कैसा है वो उसकी भाषा से पता चल जाता है जी, बिल्कुल, एक शब्द बोलते ही पता चल जाएगा कि ये बंदा क्या है, शब्दों से ही पता चलता है ना जी। हाँ, तो हमें शब्दों के पीछे मन को पकड़ना है कि वो कैसा बंदा है, पारखी बनना है ना कृष्ण की तरह, वरना हम शब्दों के नहीं पकड़ पाए। कोई माफ़ी मांग रहा है लेकिन हो सकता है वो गुस्से में हो, हो सकता हो कि एक बार मामला सलटानूँ फिर देख लूँ। हमें पता चलना चाहिए कि ये कोई भी कोई कुछ बोल रहा है उसके पीछे उसका भाव क्या है, मनोदशा क्या है। कुछ बड़े प्यार से बात करते हैं लेकिन उनके मन में मंशा बेईमानी की अलग ही चलती है। हाँ, तो हमें मंशा पकड़नी है, शब्दों को नहीं पकड़ना। शब्द झूठे हो सकते हैं, शब्द झूठे भी होते हैं, ज़्यादातर शब्द झूठे होते हैं, लेकिन उसके पीछे मनोदशा कैसी है, किस वे से बात कर रहा है वो। हाँ, सही, वो पकड़ना सीखना है, हो जाएगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी यही आती है। हाँ, कि हम तो पहचान नहीं पाते क्योंकि हम ना शब्दों को पकड़ लेते हैं। जैसे कोई प्यार मांग रहा है या गुस्सा कर रहा है लेकिन हर बार गुस्से में, जैसे रिश्तों में पत्नी गुस्सा कर रही है तो गुस्से के पीछे कोई और वजह होती है, पर वो सही चीजें ना बोलकर हाँ उसको दूसरे रूप में बोलती है। वो लड़कियां तो करती ही उल्टा काम है कि उनको जो चाहिए वो सीधे सीधे बोलती नहीं है, वो तो अलग तरीके से ही उनका व्यवहार रहता है। वो तो समझदार को पता चलना चाहिए भी इसको क्या चाहिए। अब मेरे से थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई मेरी पत्नी की तो सीधे मुझे तो नहीं कहती लेकिन जाके बच्चे को ज़रूर पीट देती है। अब बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी उसकी फिर शामत आ जाती वो है, वो चीज़ उसके ऊपर जाकर निकलती है। हाँ, तो ऐसा होता है। अब किसी और ने कुछ कह दिया तो अब किसी रिश्तेदारी से बात होगी, कुछ भी हो गया तो अब मैं थोड़ा सा बोल दूंगा तो मेरे ऊपर भड़क जाएगी। तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो मुझे सीधा टारगेट करे,
क्योंकि उसके अंदर है ना, तो वो निकालना तो है किसी पे, किसी पे तो निकलेगा ही। हाँ, किसी किसी पे तो निकलेगा। तो हमें समझना होता है ना, अभी ये गुस्सा कर रहे हैं हरीश, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आज क्या घटना घटी। लेकिन हम शब्दों को पकड़ लेते हैं, उससे और गुस्सा हो जाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा। क्या समझ में आया? ये कि जो मान लो गुस्सा आ रहा है तो जरूरी नहीं होता कि वो आपके ऊपर ही। हाँ, आप तो टारगेट बन गए, आप सिर्फ उसका टारगेट हो, कारण कुछ और भी, कारण बहुत होते हैं और उन कारणों को हम पहचान नहीं पाते। जो हमें बोला जाता है, हम सिर्फ उन शब्दों के ऊपर गौर करते हैं। हाँ, कि हमें ये कह दिया। हाँ, मुझे कह दिया, हम तो अपने ऊपर ले लेते हैं। हाँ, उस रीजन तक हम पहुँचते ही नहीं है। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि हम किसी और का गुस्सा हम पर निकल गया, तो हम पर निकल गया, वो बंदा निकालने वाला भूल जाता है, उसको याद नहीं रहेगा, वो खाली हो गया। हमें वो शब्द हमेशा हमारे, हाँ, जिसको कहा गया वो पकड़ के रखता है मन में, कि मुझे उसके ये मन में बैठ जाते हैं, वो हमेशा मन में रखता है और इस तरह से खराब हो जाते हैं। लेकिन हमें डिलीट करना आना चाहिए कि किसी ने कह दिया, छोड़ जा यार, तू परेशान है, तेरे को क्या चाहिए, उसे प्यार से पूछो भी, यार बता ना बात क्या है, कोई गुस्सा कर रहा है, गाली निकाल रहा है, यार असली बात तो बता, हुआ क्या। शब्दों के पीछे के भाव को पकड़ना है। तो ऐसे आप व्यवहार करते हो तो क्या किससे रिश्ते बिगड़ेंगे? नहीं, समझ ही नहीं पाते, इसलिए बिगड़ते हैं। लेकिन दायित्व किसका? अब हमारा है, हमें वो ऐसा बनना है। आपके पति की मनोदशा को आपने समझना है कि उनके मन में क्या चल रहा है। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर, वर्कलोड, उसके कारण वो खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो इंसान खुद को समय ना दे पाए, क्या वो दूसरों को समय दे सकता है? नहीं। तो उनको खुद को जरूरत है ना प्यार की। जी बिल्कुल। या हम उनसे प्यार लें। क्या समझे? यही सर, कि जैसे हम गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं या जो भी है, पहला तो वो यही होता है कि दूसरों पे जोर चलता ही नहीं है, वो अपने के ऊपर आके ही निकलेगा, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, हाँ, बच्चे हो, या कई बार पेरेंट्स पर भी आ जाते आ जाता है, आ जाता है। तो उस टाइम हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर कर रहा है, या जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उस टाइम उसको भी एक आप प्यार से हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा, आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।